हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था और उसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे, अपने पिक्चर प्रोफाइल कौन सा यूज़ किया है, आप कलर ग्रेडिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स देख लेते। तो उस वीडियो के लिए मैंने एसलॉक 2 यूज़ किया था, तो एसलॉक 2 की सेटिंग हम देख लेते। तो इसमें जो कस्टम कीज़ है उसमें मैंने C2 में प्रोफाइल पिक्चर की सेटिंग रखी है, तो इसमें मैं डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम जाएंगे PP7 में, और यहाँ पर जाने के बाद आप ये देख सकते हैं सेटिंग्स, जो ब्लैक लेवल है वो मैंने 7 पर रखा है, और यहाँ पर गामा जो सेट किया है एसलॉक 2 ब्लैक गामा जो है वो नैरो पर रखा है, और लेवल इसमें 5 रखा है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर इन्नी, और इसमें मैंने जो मोड रखा है वो ऑटो पर रखा है, और यहाँ पर कलर मोड आप देख सकते हैं एस गैमेट 3 सिने। तो यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर सैचुरेशन जो आप देख सकते हैं वो मैंने 1 पर रखा है। सैचुरेशन एक्चुअली मैं कम ही रखता हूँ, मुझे लो सैचुरेशन वाले कलर्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने सैचुरेशन यहाँ पर कम रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक कलर फेज, इसको मैंने 4 पर सेट किया है, और यहाँ पर आते हैं कलर डेप्थ, तो ये कुछ सेटिंग्स मैंने रखी है। तो यहाँ पर आते हैं डिटेल में, और इसमें आप देखिए लेवल मैंने -3 पर रखा है। मुझे शार्प लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो डिजिटल फुटेज वाला लुक आ जाता है। अगर आप सिनेमैटिक लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो शार्पनेस है वो आप नॉर्मल रखिए या थोड़ा सा कम रखिए, सॉफ्ट लुक रखने की कोशिश करिए, उससे जो फुटेज है वो ऑटोमेटिकली सिनेमैटिक लगने लगती है। तो यहाँ पर लेवल मैंने 3 पर रखा है। तो ये मेरी एसलॉक की सेटिंग है, आप यही सेम सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो अब रही बात कलर ग्रेडिंग की, तो इस फुटेज को कलर ग्रेड करने के लिए मैंने दाविंची यूज़ किया था, काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर है फॉर कलर ग्रेडिंग। अगर आपका पीसी सपोर्ट करता है तो आप ज़रूर दाविंची ट्राई कीजिए फॉर कलर ग्रेडिंग, काफ़ी बढ़िया और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, तो आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई करके देखिए। और इस लॉग वीडियो का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके इसे डाउनलोड कीजिए और इस पर आप कलर ग्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।